हाय, सो ये वीडियो है क्योंकि अब MBBS इंडिया एडमिशन का सीज़न आ रहा है तो हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़र्क होता है। तो ये वीडियो डेडिकेटेडली छोटा सा उनके लिए ताकि आप सुन लें और समझ लें। देखिए, दोनों ही फ्रॉम दैट सेंस इज़ प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कि फीस आप मिनिमम 10 लाख रुपये या 12 लाख रुपये पर ईयर दोगे से लेके 25 लाख के भी कॉलेजेस हैं इंडिया में। सो उस फीस के हिसाब से दोनों प्राइवेट हैं। तो फिर फ़र्क क्या है कि वाई somebody इज़ कॉल्ड अ प्राइवेट कॉलेज एंड somebody इज़ कॉल्ड अ डीम्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। सो देखिए, डीम्ड का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल आप हैं। तो आपको मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है वो वैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। शारदा बहुत फेमस है। या हरियाणा में SGT यूनिवर्सिटी है, वो सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। पर जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं वो डीम्ड कॉलेज ना होके वो स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। तो शारदा UP का स्टेट प्राइवेट कॉलेज है, SGT हरियाणा का स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन भारतीय विद्या भवन मुंबई पुणे या DY पाटिल या संतोष गाजियाबाद MM मुलाना अम्बाला, ये हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। फ़र्क बड़ा सिंपल है, आप एक वैसे समझ लो। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक तरह से ना केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रही है और प्राइवेट कॉलेजेस हमेशा स्टेट सरकार को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका फ़र्क ये है कि सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि MBBS इंडिया में काफ़ी स्टेट रिजर्वेशंस हैं। मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज में तो 85% सीटें हैं स्टेट कोटा में, 15% ऑल इंडिया कोटा को निकाल दो फॉर दी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। वहाँ पर भी दो तरह के ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एम्स BHU AMU है। सो डीम्ड एक तरह से सेंट्रल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट। उस बस सर एक ही मतलब है उसका कि किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में उस स्टेट के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो चाहे आप संतोष गाजियाबाद देखें, चाहे DY पाटिल देखें, चाहे भारतीय विद्यापीठ देखें, चाहे तमिलनाडु के देखें, चाहे महाराष्ट्र के बाकी देखें, मध्य प्रदेश के देखें, इन एक एक सीट हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे के लिए अवेलेबल है। डोमिसाइल का कोई भी रोल नहीं है। और सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग MCC कराता है। तो जो MCC ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज की करा रहा है, वही डीम्ड की करा रहा है। और सबसे पहले इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। और कई लोग जल्दबाजी में बहुत महंगा डीम्ड यूनिवर्सिटी ले लेते हैं जो 18-18, 20-20 लाख पर ईयर फीस वाले होते हैं। स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारे हैं। रफली अगर 260 प्राइवेट कॉलेज हैं तो 40 के करीब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, बाकी सारी 220 स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो जैसा मैंने बोला कि UP की बात करेंगे तो सुभारती लीजिए, शारदा लीजिए, किसी भी स्टेट की आप बात कीजिए तो वो सारे स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में गिने जाते हैं। स्टेट प्राइवेट कॉलेज भी तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनमें 100% सीटें स्टेट के लिए बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। सबसे मशहूर उसमें पंजाब गुजरात हैं। कुछ स्टेट्स रहते हैं ऐसे हैं जो आधी सीटें अपने स्टेट के बच्चों को देते हैं, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो सारी प्राइवेट कॉलेज की सीटें भी ऑल इंडिया लेवल पे ऑफर करते हैं, अगर UP हो गया। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग UP के स्टेट प्राइवेट कॉलेज की हर सीट पूरे हिंदुस्तान के लिए अवेलेबल है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में होती है। लेकिन पंजाब की बिल्कुल भी नहीं है और हिमाचल हरियाणा की आधी आधी है। सिमिलरली कुछ स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अच्छा, हमारे स्टेट के लिए जो आधी सीटें हैं उनकी फ़ीस भी थोड़ी कम होगी। सो हिमाचल या उत्तराखंड में फ़ीस कम होती है, हरियाणा में आपके लिए सीटें हैं लेकिन फ़ीस कम नहीं होती है, पंजाब में सीटें भी हैं और फ़ीस भी बहुत कम है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करती है। तो इस तरह से क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो स्टेट, हर स्टेट की जो चलती हुई समय सरकार है वो अपने रूल बना सकती है, वो अपने रूल मॉडिफाई करती रहती है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम आधी फीस हमारी तरफ से देंगे। जबकि डीम्ड में इतने से केंद्र सरकार का रोल चल रहा है तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की लोकेशन किसी भी स्टेट में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज को हम उस स्टेट का कॉलेज नहीं बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा सिंपल फ़र्क है। और हर स्टेट प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग उस स्टेट के थ्रू होती है। सो इंडिया के सारे डीम्ड एक जगह होगी, लेकिन यूपी के प्राइवेट कॉलेज के अगर आपको जाना है तो आपको यूपी प्राइवेट, यूपी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। हरियाणा के कॉलेज के लिए हरियाणा काउंसलिंग, हिमाचल के लिए हिमाचल काउंसलिंग, पंजाब के लिए पंजाब काउंसलिंग, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, एसेट्रा सेट्रा सेट्रा। तो जब वो सुनते हैं ना 9 लाख रुपए के कॉलेज हैं केरला में, वो केरला के स्टेट प्राइवेट कॉलेज हैं। कर्नाटका के सस्ते कॉलेज कर्नाटका के स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो उसके लिए हमको कर्नाटका का फॉर्म भरना पड़ता है, केरला का फॉर्म भरना पड़ता है। तो स्टेट प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको जाना है तो आपको हर एक स्टेट का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा।
अगर आपको स्टेट के सरकारी कॉलेज में जाना है तो 85% तो वैसे भी रिजर्वेशन है स्टेट के बच्चों के लिए, और जो बाकी 15% है वो ऑल इंडिया कोटा में होते हैं, उसके लिए आपको स्टेट की काउंसलिंग का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती, वो जो आप MCC में काउंसलिंग करते हैं उसी में आपका काम हो जाता है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको आसान से समझाया है, और देखिए मेरी रोज़ी रोटी यही काम करने की है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा बच्चों को, जिनके फ़ोन आते हैं कि ये सब मैं आपको समझा देता हूँ वीडियोस के माध्यम से। इसके बाद अगर आप स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं, अपना केस हमसे करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, तो वो चार्जेबल होती है, तो वो चार्जेस दीजिए तो हम आपको हैंड होल्डिंग करेंगे सितंबर से लेके जनवरी तक, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि एम्स की भी कुछ सीटें चौथे राउंड के बाद भी, स्ट्रे मॉकअप के बाद भी खाली रह गई थी, और काफ़ी कम स्कोर पे हमें सीटें मिल गई थी। तो उस लास्ट तक अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो उसके हिसाब से हमारे चार्जेस आपको देने चाहिए, या वीडियोस के अलावा कोई भी अगर आप उससे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ गिव अस कंसल्टेशन चार्जेस, ताकि मैं आपके, यू नो, जब मेरा घर चलेगा तभी मैं आपके लिए अच्छा काम कर पाऊँगा। धन्यवाद।